जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। 10,000 से ज्यादा पदों का एक बड़ा बम्पर रिक्रूटमेंट आप लोगों का दिल्ली होमगार्ड का निकल के आया था, जिसका आप लोगों ने फॉर्म वगैरह सब अप्लाई कर दिया था। अभी आप लोग इंतजार कर रहे थे पीटी और पीएचटी का, फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब तक फिजिकल होगा। फिजिकल की तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल है वो फरवरी महीने में होना तय था, लेकिन बाद में दोस्तों इसे पोस्टपोन्ड कर दिया है। अभी नई फिजिकल की डेट भी आप लोगों की आ चुकी है, कौन से महीने में आप लोगों का फिजिकल होने वाला है। साथ ही दिल्ली होमगार्ड की तरफ से जो आपका ये रिक्रूटमेंट आया है उसको लेकर, फिजिकल को लेकर क्या अपडेट लेटेस्ट यहां पर निकल के आ रही है, उसके साथ ही बात करेंगे कि कितना कंपटीशन इन 10,000 वैकेंसी के लिए रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इस बार दिल्ली होमगार्ड के लिए कितने अप्लाई हुए हैं, कितने अभ्यर्थियों के बीच में इस बार दिल्ली होमगार्ड का यहां पर जो आपका कंपटीशन रहने वाला है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में दिल्ली होमगार्ड भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहने वाला है। साथ ही जो नौजवान दिल्ली होमगार्ड भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार उन्होंने विजिट किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और साथ ही अपनी तैयारी को शानदार तरीके से अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड में टोटल फॉर्म को लेकर जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा था कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए, तो बिल्कुल उसका आंकड़ा है वो भी आ चुका है, दिल्ली होमगार्ड ने बता दिया है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर किस बार नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए। अभी एक नया नोटिस और जारी हुआ है दिल्ली होमगार्ड का, जो कि एक नोटिस है, डिपार्टमेंट को भेजा गया नोटिस है, क्योंकि इससे पहले आपके फिजिकल की डेट बता दी गई थी और दिल्ली जो कमिश्नरेट है उनको भी एक नोटिस भेजा गया था होमगार्ड की तरफ से, भाई कि हमें फिजिकल करवाने के लिए कुछ जवानों की जरूरत पड़ेगी, तो उन जवानों को हमें प्रोवाइड करवाए, ताकि वो हमारे फिजिकल जो आपका फिजिकल वगैरह जो टेस्ट है उसमें हमारी सहायता कर सके। उसके लिए ग्राउंड वगैरह सब कुछ तैयार हो गए थे, वजीराबाद में, झड़ौदा में, यहाँ पर अलग अलग आप लोगों के फिजिकल के ग्राउंड भी तैयार हो गए थे, लेकिन अभी अंतिम चरण में आप लोगों की वैकेंसी है, जो फिजिकल होना था उसे एक बार स्थगित कर दिया है। अगर मैं नई डेट की बात करूं, उससे पहले अगर बात करें तो टोटल फॉर्म की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा, टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो टोटल फॉर्म मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 10,000 के लगभग जो आपकी वैकेंसी है, इसके लिए अप्रोक्स जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 1,00,000 के लगभग होंगे, 1,00,000 से कम नहीं होंगे। और ऐसा ही हुआ, अभी जो डाटा निकल के आया उसके अकॉर्डिंग 1,09,000 फॉर्म है वो टोटल यहां पर दिल्ली होमगार्ड के भरे गए हैं। और यहां पर वैकेंसी 10,000 है, तो आप कंपटीशन खुद देख सकते हैं। अभी आप लोगों का सबसे पहले होगा वो होगा पीटी और पीएचटी, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा आपका रिटन के बेसिस पे, और रिटन आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बैक टेस्ट होगा। मतलब फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन आपकी जो फाइनली मैट लिस्ट बनेगी वो आपके इस रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि फिजिकल होने के बाद में आपको रिटन एग्जाम का समय नहीं मिलने वाला। और अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं, तो भाई फिजिकल की जो डेट निकल के आई है, जो नोटिस है जो डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है, उसमें डेट आप लोगों की जो फरवरी में होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया है। और अभी जो नई डेट निकल के आई है वो निकल के आई है भाई कि अप्रैल महीने में आप लोगों का यहां पर क्या किया जाएगा, पीटी और पीएचटी आप लोगों का लिया जाएगा। मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो अप्रैल महीने में होने वाला है। इसके साथ में एक और बात है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से कही गई है कि या तो अप्रैल महीने में हम फिजिकल करवा सकते हैं, या इस भर्ती का प्रोसेस है उसे 6 महीने के अंदर अंदर है वो पूरा करवा लेंगे। अब आखिर ऐसा क्यों कहा है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अगर अप्रैल की उन्होंने बता दिया है तो फिर 6 महीने का क्या मतलब हुआ। देखो अगर अप्रैल से पहले भी अगर वो फिजिकल करवाना चाहे तो इस बात को इसलिए कहा गया है कि फिजिकल 6 महीने के अंदर अंदर करवा लिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस को तो 6 महीने के अंदर अंदर करवा सकते हैं, तो कभी भी आपका फिजिकल लिया जा सकता है। तो ऐसे में इन्होंने दो बात बोली है कि हो सकता है हम अप्रैल महीने में फिजिकल कंडक्ट करवा ले, हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर। अब 6 महीने में हो सकता है कि आपका मार्च लास्ट में हो जाए,
अप्रैल में हो जाए या फिर मई में हो जाए, लेकिन 100% चांस है आपका पीटी और पीएचटी का अप्रैल में होने का, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है, ये दिल्ली होमगार्ड की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है। और मैं क्लियर कर दूं, अगर अप्रैल महीने में आपका फिजिकल होता है तो मई के पहले वीक या अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोगों का रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और रिटर्न एग्जाम आपका सीबीटी होगा, और एक ही दिन में आप लोगों का रिटर्न एग्जाम भी है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि फिजिकल के बाद में रिटर्न एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अगर आपने इतनी मेहनत करके फॉर्म वगैरह लगाया है, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सिलेक्शन तो आपका तभी होगा जब आप रिटर्न में एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, और इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर तैयारी करें तो कहां से करें, हम जॉब करते हैं, हम कोचिंग नहीं जा सकते, हमें तैयारी कैसे करनी है, दिन में हम जॉब करते हैं, क्या हम रात को पढ़ाई करके इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हो, लेकिन वो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, होमगार्ड भर्ती में सिलेक्शन का जुनून होना चाहिए आपका, आप रात में पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों के लिए जो हमारा टारगेटेड बैच आया है दिल्ली होमगार्ड भर्ती को लेकर, ये स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है। मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जो भी चीजें पढ़ाई गई है वो बिल्कुल बेसिक से और जीरो से पढ़ाई गई है। आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो जॉब वगैरह भी कर रहे होंगे और फिर दिल्ली होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं, तैयारी उन्होंने 2-3-4 साल हो गई छोड़ दी होगी, उन सभी के लिए बैच तैयार किया गया ताकि उनको जीरो से और बेसिक से पढ़ाकर उनका कंसेप्ट इतना मजबूत कर दे ताकि उनका होमगार्ड में भर्ती होने का सपना पूरा हो जाए। देखो इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी, सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल से और बेसिक से पढ़ाए गए, टॉपिक वाइज आपको शॉर्टली पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, और पूरा का पूरा जो कोर्स है होमगार्ड का, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक 70% की छूट के साथ में अभी यह पूरा का पूरा कोर्स है, यह मात्र आपको 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाना है, बेस्ट एग्जाम सर्च करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके करके ये राजधानी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर 24 आवर्स व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी आपका डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सही और सटीक अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।